मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं सबसे मिलूं, क्योंकि जो इनकी एलिगेशन है ये बहुत सीरियस है। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से मेल पुलिस ऑफिसर्स ने दारू पीकर इनके साथ धक्का मुक्का करी है, इनको गंदी गंदी गालियां दी हैं, बाल खींचे गए हैं, और फीमेल ऑफिसर्स यहाँ पे क्यों नहीं अपॉइंटेड थी। तो ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। ये लोग ठीक हैं या नहीं ये जानने के लिए मैं यहाँ पर आई, और दिल्ली पुलिस ने, मैं अकेली थी, मेरे साथ सिर्फ एक काउंसिलर थी, मेरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी बनती है ये समझने के लिए कि ये जो लड़कियां हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चल रहा है, इनकी सुरक्षा है या नहीं, ये ठीक है या नहीं। फिर भी दिल्ली पुलिस ने मुझे मिलने नहीं दिया, उल्टा मेरे साथ बदतमीजी की गई, मुझे धक्का मारा गया, मुझे घसीट के गाड़ी में पटक दिया गया, उसके बाद पुलिस स्टेशन ले गए, उसके बाद कई घंटों तक मुझे पुलिस स्टेशन में जबरदस्ती बिठा के रखा गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस अपनी पूरी शक्ति उस ब्रिजभूषण गुंडे को बचाने के लिए क्यों लगा रही, क्यों दिल्ली पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती, क्यों दिल्ली पुलिस ने अभी तक इन लड़कियों के 164 के बयान दर्ज नहीं करे हैं, क्या क्यों इतना डिले किया जा रहा है, क्यों इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, हर तरीके का दबाव इन लड़कियों के ऊपर बनाया जा रहा है। आज जंतर मंतर में छावनी बन गई है। मैं अब सुबह दोबारा आई, मुझे फिर नहीं आने की आने दे दिया जा रहा है, मुझे फिर लड़ाई लड़नी पड़ी, फिर जाके मैं इन लड़कियों से मिल रही हूँ, इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आई हूँ मैं। तो ये चल क्या रहा है, क्यों ब्रिजभूषण जैसे गुंडे को इतना बचाया जा रहा है इस देश में, क्यों पूरी की पूरी पुलिस, यहाँ 400 लोग खड़े हैं, ये 400 पुलिस ऑफिसर्स में से किसी की हिम्मत नहीं है कि जाके ब्रिजभूषण को अरेस्ट करे, उसके ऊपर पॉक्सो की FIR हो रखी है, क्यों 164 के स्टेटमेंट नहीं करती दिल्ली पुलिस, चल क्या रहा है, पूरी की पूरी छावनी बना रखी है, ब्रिजभूषण AC के कमरे में मजे से सो रहा है, ये लड़कियां सड़क पे, उनको एक छोटा सा बिस्तर नसीब नहीं है, ये ओलंपिक मेडलिस्ट्स हैं, इस देश का नाम रोशन करा इन्होंने। और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, जिसका स्टैट्यूटरी रोल है, अगर मैं अपने घर में बैठी रहूं और इनकी मदद ना करूं तो फिर मैं किस तरीके की महिला आयोग की अध्यक्ष हूं, मैं स्टैट्यूटरी रोल पे आती हूं, मुझे घसीट के फेंक दिया जाता है। तो दिल्ली पुलिस एक मैसेज देना चाह रही है, और वो मैसेज ये है कि जो भी लड़कियों की मदद करते हुए नजर आएगा उनको डराया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा। तो मैं ये बता दूं कि ना तो दिल्ली महिला आयोग डरने वाला है, ना ये लड़कियां डरने वाली हैं, और ये ब्रिजभूषण, ये चाहे कितना भी बड़ा गुंडा और कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों ना हो, इसके दिन अब जेल में बहुत जल्द कटने वाले। अविनेश, दो सवाल, क्या आप लोगों ने प्रोटेस्ट में अपने मेडल्स वापस करने की बात कही, इस तरह की कोई बात आ रही है? कौन मतलब जो सरकार की तरफ से मेडल्स दिए गए हैं वो, या जो नेशनल प्लेटफॉर्म पे आपने जीते हैं? देखिए, जो भी सारे ले जाओ जी, इतनी बेइज्जती तो कर दी हमारी, इतनी बेइज्जती कर दी हमारी, कुछ भी तो छोड़ा नहीं, मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे पैरों के नीचे ऐसे रोंदे जा रहे हैं, क्या किसी हर पुरुष को अधिकार मिल गया क्या लड़कियों के बारे में गाली देने का, माँ बहन की गाली दे रहे हैं? आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मेडल जो आपने इतने मेहनत से जीते हैं देश के लिए, अगर उसको आगे रखा जाए, क्या आपके मन में ऐसा है कि क्या आप मेडल के साथ में अपनी जान भी दे देंगे? इंसाफ तो दिलवा दो, मेडल के साथ में जान भी दे देंगे, इंसाफ तो दिलवाओ, ये तो बोलो इंसाफ मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्टेटमेंट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस रिस्पेक्ट करती है लॉफुल डेमोंस्ट्रेशन को, और किसी को भी नहीं रोका जा रहा है जंतर मंतर पे किसी को भी प्रोटेस्टर से मिलने के लिए लॉफुल मैनर। पूरी रात में लोगों के साथ में इतना, अभी मैडम आ रही, मैडम को रोक लिया, अब झूठ पे झूठ तो आप कितनी बढ़ा लो। अभी हजारों लोग बाहर खड़े हैं। दिल्ली पुलिस बिल्कुल झूठ बोल रही है, मेरे को रात में उन्होंने डिटेन करा है, और मैं यहाँ पे आई हूँ सुबह, मुझे यहाँ पे पूरा, मुझे 5-10 मिनट तक जबरदस्ती रोक के रखा, वो तो फिर उसके बाद इतनी प्रेस यहाँ पे थी तो इस चक्कर में मुझे जाने दिया, नहीं तो फिर डिटेन कर देते, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो एकदम एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतर आई है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि DCP न्यू दिल्ली और SHO पार्लियामेंट स्ट्रीट, ये वो ऑफिसर्स हैं जिनकी वजह से इन लड़कियों की FIR दर्ज नहीं हुई। सेक्शन 166A
आईपीसी ये कहता है कि अगर किसी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो उन ऑफिसर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो ये डीसीपी जो है और ये एसएचओ है इसके तो ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और ये यहाँ पे खड़े होकर गुंडागर्दी करवा रहे हैं, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को उठा के पिकवा रहे हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं उनको, मतलब मेल ऑफिसर्स ने हाथ कैसे लगाया? आपने ये हाल कर दिया, आज लड़कियों को यहाँ पे बिठा दिया है, जो ओलंपियंस जिन्होंने देश का नाम रोशन करा है आज वो सड़कों पे बैठ के रोने पे मजबूर हो रही है। मतलब पुलिस वाले दारू पी के धमकियां दे रहे हैं, मार रहे हैं, ये कहाँ का न्याय चल रहा है? और किसको बचाने के लिए? ब्रिजभूषण जिसके ऊपर 40 केस चल रहे हैं, जो कि एक गुंडा है, जिसने जिसके ऊपर एफआईआर हुई है पॉक्सो की, उसको बचाने के लिए लड़कियों को अत्याचार करा जा रहा है, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, और ये हाल कर दिया है कि बिस्तर भी नहीं आएगा, लोग भी नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा, बस यहाँ पड़े रहो और सड़ते रहो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ दिल्ली पुलिस से, किसके कहने पे ब्रिजभूषण को बचाया जा रहा है? क्यों नहीं अरेस्ट करती ब्रिजभूषण को दिल्ली पुलिस? साक्षी विनेश एक टीवी इंटरव्यू में आपने जो पहले आरोप लगाया था, एक तरह से करण सिंह ने खुद उस आरोप को एस्टैब्लिश कर दिया है, जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो आपके गले लगे थे, अनकंफर्टेबल फील किया था, आपने प्रोटेस्ट भी किया था उस सीट को लेके, तो क्या इन मुद्दों को आप कल एविडेंस के तौर पे आप कोर्ट में? पहली बात तो कोई भी लड़की किसने कंप्लेंट्स किया है किसने नहीं किया है वो किसी भी ओपनली नहीं बोला, ना हमने बोला ना किसी और महिला एथलीट ने। पहली बात, ब्रजभूषण जो खुलेआम नाम ले रहा है किसी भी लड़की का, उसके ऊपर तो और एफआईआर होनी चाहिए कि कैसी भी लड़की, किसी भी लड़की को वो नेशनल टेलीविजन पे कैसे बदनाम कर सकते हैं, इसे कैसे सेम कर रहे हैं, कुछ भी वो बोल रहे हैं, और उससे वो जो बोल रहे हैं उससे उसकी मानसिकता ही दिखाई दे रही है कि वो कितना, वो इस चीज को कितना नॉर्मल मान रहे हैं, लड़कियों को छूना, उसको पकड़ के गले लगाना, वो कितना नॉर्मल मान रहे हैं इस चीज को, वो इतना नॉर्मल तरीके से जो बोल रहे हैं, तो उसने किस लेवल तक किया होगा उसकी मानसिकता, आप लोग देख लीजिए ना, एज ए जर्नलिस्ट लोग आपको भी पता है कि ये क्या किस लेवल की वो लोग चाहते हैं या किस लेवल का वो करता होगा। साक्षी, कुछ देखो, हम बहुत पहले से बता रहे हैं कि उनकी आईटी सेलेक्टिव हो गई है, जब से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है उनकी आईटी सेलेक्टिव हुई है, हमारे पोस्ट पे गलत कमेंट आ रहे हैं, हमारे बीच में उनके बंदे घूम रहे हैं। और रही बात फोटो जो वायरल कर रहे हैं, जैसा कि विनेश ने मेंशन किया है, उनका डर और खौफ इतना था, जबरदस्ती हर चीज करनी पड़ती थी, कार्ड दे के आना पड़ता था, वो जहाँ इन्वाइट करते थे वहां जाना पड़ता था किसी फंक्शन में, उन सारी पिक्चर्स को भी वायरल किया जा रहा है क्योंकि हमें गेम करना था। और 12 साल में जो जो हुआ वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जिस जिसने आवाज उठाई सबको दबा दिया गया, इसीलिए हम भी अपने करियर को बचाने के लिए उनकी बातों को मान लेते थे। आप लोगों ने बोला कि मेडल लौटाएंगे, किसको मेडल लौटाएंगे? आप ले लो मैडम, न्याय दिलवा दो बस।